लीजिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लिटरेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सेवन चैप्टर्स एंड हर चैप्टर के साथ एक पोएम या स्टोरी भी है। तो इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर रीडर काली एंड द रेड स्नेक। काली आपके जैसा एक लड़का है और उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है, वो घटना स्कूल के क्लासरूम में होता है और घटना का हीरो कौन होता है? रेड स्नेक। रेड स्नेक क्या है? एक स्पेसीज ऑफ स्नेक है जो आपको साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। हम लोगों के यहाँ इसको अपने भाषा में भामी सांप, ठीक है ना। तो इसके राइटर जो है वो कौन है? जय वाटेकर। इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है क्योंकि ये ट्राइबल एरिया में रहा करती थी और इन्होंने बहुत अच्छे से वहां के रहन सहन का स्टडी किया था। एट प्रेजेंट सी इज अ प्रिंसिपल इन स्कूल ऑफ बैंगलोर। ओके, तो ये जो स्टोरी आया है ये आपके लिए है। आप उसको पढ़िए और देखिए कि एक स्किलफुल आदमी कैसे आप अपने आप में परिपूर्ण होता है। भले ही वो ऐसा सोचता है कि मैं तो गवार हूँ, मैं तो ट्राइबल एरिया का हूँ, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब उसका अपना स्किल सामने आता है तो सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। इन दिस स्टोरी देयर इज अ बॉय हुज नेम इज काली एंड ही लिव्स विद हिज फादर अ स्नेक चार्मर। हिज फादर वाज अ स्नेक चार्मर। ही यूज्ड टू कैच द स्नेक, पॉइजनस स्नेक फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सोल्ड इट टू द स्नेक कॉपरेटिव। They gave him 150 rupees for each purchase snake, and his father used this money for their livelihood. It is only the earning of his. Kali also lived with his father. He became also expert to catch the snake. But as he was a child, his father put him in a school. Now, he was a schoolboy but he did not like this. He used to go to school but did not like the school life. Always become late. And became a backbencher boy in the class. And he was a Irula tribe. He feels mean between them. All the boys of the class, all the students of the class are from the business family and other service family. So he feels not fit among them. They bring lunch, snakes, biscuits, many delicious dishes, but himself in another place and took his tiffins. He wanted that teacher become worried with him, scolded him,
backward for his messy handwriting, but his teacher always smiled on him and appreciated him for his work. और इस तरह से समय बीतता जाता है. एक दिन की घटना होती है कि एक रेड स्नेक उसके क्लासरूम में आ जाता है और सारे बच्चे इधर उधर भागते हैं. उसके इवन उसके टीचर भी टेबल के नीचे चल जाते हैं. लेकिन काली क्या था, वो तो काफी एक्सपर्ट था. अपने फादर के साथ स्नेक पकड़ने का काम किया करता था. वो नहीं डरता है और धीरे धीरे वो जाता है स्नेक के पास और उसके गले को पकड़ लेता है और इस तरह से सारा क्लास अपने आप को इजी फील करता है और उस दिन से वो अपने क्लास का अपने स्कूल का हीरो बन जाता है. सभी उसको बहुत पसंद करते हैं. तो अगर आदमी खुद स्किलफुल हो तो उसकी क्वालिटी कहीं छुपती नहीं है. समय के साथ वो दिख ही जाता है. जैसा कि इस स्टोरी में राइटर ने हम लोगों को दिखाने का प्रयास किया है. कभी भी हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए बल्कि अपने क्वालिटी को अपने स्किल को पहचानने का प्रयास करना चाहिए. आप लोग इस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा. जो हार्ड वर्ड है उसका स्पेलिंग और मीनिंग मेमोराइज कर लीजिएगा. क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन में मैं आपको सारे बेस्ट क्वेश्चन के बारे में समझा दूंगी और समरी दिया हुआ है. आप उस बेस पर अपना खुद का समरी लिखिएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.